हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरी श्वेता क्रिएशंस पे। तो आज का एपिसोड है बिग बॉस 13 के बारे में, बिग बॉस 13 के बारे में कुछ खबर देनी थी आप सबको। वेट कर रहे थे ना, मुझे भी मेरी खबरियों से मुझे पता चला, तो कुछ मैं आपको बता देती हूँ। तो इस साल भी बिग बॉस का ये सीज़न अगस्त से सितंबर के बीच आने वाला है। सेम वही प्रोसेस रहेगा, कुछ कॉमनर्स और कुछ वर्सेस सेलिब्रिटी। इस साल भी वही फंडा अपनाने वाले हैं। और आप सबको तो पता है हमारे सबके भाई सल्लू भाई इस बार भी एंकरिंग करने वाले हैं, शायद उनका भी कोई जोड़ीदार आ जाए लग रहा है। सलमान भाई कम से कम 8 से 9 सीजन तक कर चुके हैं, तो इस बार बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, उनका सेट रेडी हो रहा है और उनका कॉमनर्स के लिए ऑडिशंस भी अपडेट्स आने वाले हैं। पर अभी तक इतना ही इन्फॉर्म हुआ है, तो चलिए देखते हैं। पिछला सीजन इतना अच्छा नहीं था, मतलब ज़्यादा टॉप रैंक, मतलब हमेशा बिग बॉस जब टेलीकास्ट होता था तो वो टॉप 5 के अंदर तो रहता था, तो कभी कभी सारे ऑल शोज को वो डाउन करता था और नंबर 1 पे जा रहता था। जितना दिन वो टेलीकास्ट होता था उसका तो टीआरपी पे कंपैरिजन ही नहीं था। जिस सीजन में हिना खान और हमारी भाभी जी ये सब थी, वो सीजन तो मतलब वो सीजन जिस लोगों ने नहीं देखा उन्होंने बिग बॉस नहीं देखा, मेरा मानना है। तो पिछला साल बहुत ही बकवास गया, सिर्फ पूरा करना है इसीलिए कंप्लीट हुआ। इस साल उसे और मज़ेदार करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से प्लानिंग्स चल रही हैं, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मैं तो बहुत बड़ी फैन, आप शायद में से कौन कौन ज़्यादा बिग बॉस को देखते हैं, सारे कामकाज छोड़कर बिग बॉस देखने के टाइम पे पूरी तरह टीवी पे लग जाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे ऐसे वाले वीडियोस पर न्यू अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी जितने सारे बिग बॉस फ्रेंड्स होंगे उन्हें भी पता चल जाए। ठीक है, बाय।